गलती के अलावा सही चीज़ें लेनी चाहिए हमको, ये भी तरीका हमको मिलता है। सही तिर्मिज़ी इस इब्ने माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 1539 कि अल्लाह के रसूल सल्लम देखा कि अंसार की कुछ बच्चियाँ थी, तो कुछ वहाँ हो रही थी, कुछ उनके ये त्यौहार था या कुछ शादी ब्याह थी, तो उसके अंदर वो डब बजा रही थी, तो उसके अंदर कुछ ऐसे कलमात थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि ये कलमात गलत है, तो उन्होंने कहा कि ये कलमात, ये बोले ये बीच का हिस्सा हटा दो बाकी तुम गाती रहो, तो फिर वो गाने लग गए। तो उस चीज़ में से यानी कि जो पूरा तरीका सही कि भाई यार तुम ये तो कर रहे हो, नमाज ये कर रहे हो, ये करो भाई इतना सा सुन्नत और मिला लो, तुम्हारी नमाज पूरी मुकम्मल हो जाएगी। ये से बताकर उसको बताएंगे हम कि तुम ये कर लो इसके अंदर सही चीज़, बाकी तुम्हारा सब सही है बिल्कुल। अब यहाँ तो हमारा मामला ये होता है कि देखा नहीं, इसने थोड़ा बहुत सीख लिया और जाकर एक आदमी 20 साल से नमाज, तुम्हारी तो नमाज ही नहीं होती। आदमी के अच्छा 20 साल से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी नमाज ही नहीं होती। अब उसकी ढंग से इस्तिला करते भाई देखो तुम ये करते रहे, देखो थोड़ी इसकी भी तहकीक करो, ये भी तरीका है, और नहीं तो फिर उसका मामला वो है। तो हम ये अब कोई आदमी दरूद बहुत सारी आ गई, बहुत सारी फर्जी दरूदें भी, फर्जी दरूद पढ़ रहा है उसने, वो सीख भी ली बड़ी बड़ी, लाग लोग याद भी कर लेते, अब सही नहीं आती तो उनको बताया भाई देखो असल दरूद ये है जो नमाज में पढ़ते हैं, और उसके अलावा ये दरूद है ये पढ़ो, देखो ये यहाँ पर इसमें मिलता है, तब भी हम उसको बताएंगे तो फिर वो उसकी इसलाह वो कर लेगा कि हाँ ये। तो हम ये नहीं कि बस सही चीज़ लेके भाई देखो तुम दरूद तो पढ़ रहे हो, देखो ये जो तो है ना ये चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ये सही चीज़ है, नमाज तुम पढ़ रहे हो ना इसके अंदर ये थोड़ा सा ये और मिला लोगे तो इस तरीके नमाज हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी की इसलाह करेंगे, जो सही चीज़ है उसकी सही लेंगे, जहाँ गलती है वहाँ उसकी हम इसमें इसलाह करेंगे। इसी तरह शख्सियत और रुबाब के हिसाब से भी इसलाह करनी चाहिए, बड़ा है कौम का लीडर है आलिम है उसकी इसलाह से करनी चाहिए। जैसे ये जो है सही मुस्लिम में मिलता है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इनके ताल्लुक से मिलता है कि इनको जो है हज़रत औफ रज़ी अल्लाह तआला इन्होंने जो जंग के अंदर होता था ना माल आता था उधर से, तो उनको कुछ माल उन्होंने दिया नहीं, बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि यार तुम ये जो है माल एक काम करो सब में तकसीम कर देंगे बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो अल्लाह के रसूल से शिकायत करूँ, वो गए अल्लाह के रसूल सल्लम के सामने, अल्लाह के रसूल सल्लम से कहा कि उसमें यही तरीका था कि जो जिसको जिससे जंग होती थी और जो जिससे लड़ता था तो उसका माल उसके लिए उसके कब्ज़े में आता था, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल बोले कि जाकर कहा कि अल्लाह के रसूल उन्होंने मेरे को माल नहीं दिया पूरा, हो तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि दे दो इसको माल, हो इसने किया है तो इसका ही है पूरा दे दो, रूल यही है। तो खालिद बिन वलीद ने कहा वह ठीक है। तो उसके बाद जब खालिद बिन वलीद खड़े हुए थे और वो जब पास में से निकले ना, तो कहा देखा मैंने तो अब माल ले लिया कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लम से, अब वो कौन है सिपे सालार है और ये सिपाही हैं, तो उनकी जो है ये वो काम कर रहे, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि नहीं ये अहदेदार है और फिर ये ऐसे करेंगे तो फिर ये इनका हुक्म भी नहीं मांगने आगे जाके, तो उन्होंने कहा ये अहदेदार कहा कि खालिद अब इसको माली मत देना कुछ भी मत दे, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो अहदेदार है और इस तरह से कि मैं तुमको अगर किसी का सिपे सालार तुम्हारा लीडर बनाकर भेजता हूँ इमाम बनाकर भेजता हूँ तो क्यों तुम उसके जो है नाफरमानी करते हो, उसकी बात मानना जरूरी है। तो ये उसमें भी हमको मिलता है, तो शख्सियत के हिसाब से भी हम इसलाह करें, और इसलाह नहीं हो रही है तो बार बार इसलाह करना है। और इसी तरह की ये नहीं कि बस एक दो बार समझाया और उसके बाद में हमारे रहे तो बानना ही नहीं है, तो काफिर है ये, तो मलून है ये, जो मुशरिक है ये, हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम है ही नहीं बोलने का, हमको ये करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही बात होता तो फिर अल्लाह खुद करता ना, अल्लाह ने कोई कितने लोग आज ये बताइए मुझे नमाज़ पढ़ते हैं, कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमानों के अंदर, जुम्मे के अंदर भी आधे भी लोग नहीं आते हैं, आधे भी मुश्किल से 20 से 30% लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये कैलकुलेशन है, 20 से 30% 70 लोग तो आते ही नहीं मुसलमान होते, वो भी नमाज नहीं पढ़ते। तब ये बताए कुरान के अंदर अल्लाह ने 70-72 बात कहा, नमाज का जिक्र किया, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। जकात बताइए कितने लोग देते, देते ही नहीं लोग, मालूम ही नहीं, देते भी नहीं है, और या कंजूसी कर जाते, नए नए हीले बहाने करते, वो भी नहीं देते। तो अल्लाह ने जब वो 80 से ज़्यादा बार कहा जकात दो, अब ऐसा नहीं कि नहीं दी तो अल्लाह ने कहा कि चलो अजाब इसके ऊपर किया गया अल्लाह ने, तो फिर आपको क्या पड़ी है? वो तो वो ज़्यादा अगर कोई गजबनाक हो सकता है तो अल्लाह हो सकता है, तो आप कितने गजबनाक हो रहे कि दो बार समझाने में आपको बिल्कुल ऐसा गुस्सा आसमान पे चढ़ गया आपका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इतनी बार किया और नहीं भी पढ़ता तो अल्लाह जो उसकी जो मामला थे वो उसको पूरा देगा, उसकी सजा आखिरत में होगी, तो हमारा मामला ये नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखिए उनकी ज़िंदगी हम देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लम पर जब दीन नहीं था यानी इस्लाम नहीं आया था उनके ऊपर, जब वही नहीं आई तो वो कहाँ थे? गारे हीरा के अंदर जाते थे, वहाँ बैठा करते थे और वहाँ पर गौर फिक्र किया करते थे, अकेले रहते थे वहाँ पर। और जैसे ही फिर जब उनके ऊपर वही आई और उनको जब नबी बनाया गया बताया गया जब अलैहिस्सलाम आए कुरान आने लगा, तो उसके बाद में फिर कुरान बताने के लिए लोगों के पास में जाते थे। और हमारा मामला ऐसा उल्टा हो गया, हम क्या है कि यहाँ पर जब
हम यूं तो दुनिया की, जब हमारे पास सही दीन नहीं होता तो हम सब दुनिया से जुड़े हुए रहते हैं, सब मामला चल रहे, लेकिन जैसे ही दीन आया तो हम क्या कहते हैं, अकेले में चल जाते हैं, अरे ये फला ये फला ये फला, हम अकेले मोमी। तो ये उल्टा कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लम अकेले थे, दीन आया लोगों के पास में गए, और हमारे पास में अब सबके साथ थे, हमारे पास दीन आया हम अकेले चले गए, तो ये उल्टा काम हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम कहता है तो हम पर ये है कि हिदायत आ रही है तो हम दूर जा रहे हैं, तो ये फितने फता फैलाने के काम है कि हम इस तरह से फितने ना करें, वो फितना तो कत्ल से बुरी चीज़ है कि हम किसी फितना करें, तो अल्लाह कुरान में फरमाया